नमस्कार, मैं सुमन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 9 जनवरी रविवार शाम के बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नशे के लिए पैसे देने से मना करने पर कुख्यात बदमाश बलवट का भाई अंतु इतना आग बबूला हो गया कि उसने पान की दुकान चलाने वाले वृद्ध को चाकू घोंप दिया। उसने चेहरे पर वार किया जिससे उनका पूरा गाल कट गया। एकदम घटी इस घटना से वहां भगदड़ मच गई। आरोपी ने दो अन्य लोगों को भी चाकू मारे हैं। पान दरीबा में शीतला माता की गली में रहने वाले मनोहर पिता भोला राम राजोरिया उम्र 60 साल की गुदरी चौराहे पर बंटू काका पान भंडार के नाम से दुकान है। वे रविवार दोपहर 2:30 बजे ढाबा रोड स्थित किसी दुकान पर अपनी पान की दुकान का सामान लेने गए थे। वहां पर कुख्यात बदमाश बलवट का भाई अंतु पहुंच गया और शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगा। चूंकि मनोहर और अंतु एक ही क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे को जानते भी हैं, तो मनोहर राजोरिया ने पैसे देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, अंतु इतना तेज में आ गया कि उनकी नाक पर ही चाकू घोंप दिया जिससे पूरा गाल कट गया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अंतु ने मनोहर सहित तीन लोगों को चाकू मारे। अन्य दो घायलों में सिंहपुरी में रहने वाला एक युवक है और एक वकील है। हालांकि इन दोनों में से कोई भी जिला अस्पताल नहीं पहुंचा। जीवाजीगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे पिताजी हैं, ये सामान लेने गए थे दुकान का, और वहाँ जो आदतन अपराधी हैं नशेड़ी घूमते रहते हैं, और अंतु चौरसिया उनने शराब के पैसे के लिए मांग करी और उसके बाद पापा ने मना करा तो उनने चाकू मार दिया, तो चेहरे पे दो घाव लगे हैं पिताजी को। कितने टाके हैं उनको? करीब 15 टाके। हाँ, सुनने में आया 2-3 जनों को मारा है। नागेश्वर धाम कॉलोनी में सनसनीखेज तरीके से चोरी हो गई। सुने मकान का ना तो ताला टूटा ना कोई और तोड़फोड़ हुई और लाखों के जेवरात चोरी हो गए। दरअसल नागेश्वर धाम कॉलोनी में रहने वाली आरती पति विजय नागर मक्सी थाने के सामगी स्थित मायके गई थी। उनके पति विजय नागर राजस्थान के विजयनगर में रहते हैं। 2 जनवरी को मायके गई आरती 6 जनवरी को घर लौटी तो बाहर का ताला लगा हुआ था, लेकिन घर के भीतर रखे गोल्ड की ज्वेलरी का डिब्बा खुला पड़ा था और लॉकर में रखे 1 लाख रुपए गायब थे। बदमाश मंगलसूत्र, टॉप्स, झुमकी भी ले गए। चोरी का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो ना तो कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे मिले ना कोई और सुराग। फिलहाल पुलिस चोरी की जांच कर रही है। मतलब मैं तो गई हुई थी 2 तारीख को गांव, 12 से 1 के बीच में मैं निकल गई थी यहाँ से। उसके बाद में जब मैं 6 तारीख को आई तो 6 तारीख को मैं 11:30 के समथिंग आई, और जब आके देखा मैंने तो खोल के जब गेट अंदर आई तो देखा पूरा सामान बिखरा हुआ है और पूरा गोल्ड गायब था उसमें से। उज्जैन शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते श्री महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था में फेरबदल हो सकता है। एक बार फिर से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था लागू की जा सकती है। अगले 1-2 दिन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इस पर फैसला ले सकता है। अभी श्री महाकालेश्वर मंदिर में सीधे दर्शन कराए जा रहे हैं। हालांकि दर्शन का समय सुबह 6 से रात 9 तक ही है, इस कारण मंदिर में भीड़ बनी हुई है। अब एक बार फिर ऑनलाइन बुकिंग से दर्शन की व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस तरह सीमित संख्या में ही श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए प्री बुकिंग से आ सकेंगे। कोरोना की पहली लहर के बाद मंदिर में दर्शन की शुरुआत स्लॉट बुकिंग से ही की गई थी। इसी तरह भीड़ पर अंकुश लगाया गया था। ओलावृष्टि और बारिश के बाद एक बार फिर ठंड ने शहर को कपकपा दिया है। रात और दिन दोनों के तापमान नीचे गिरे हैं। दिन के तापमान में 3 डिग्री तो रात के तापमान में 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। दरअसल शुक्रवार की शाम से देर रात तक हुई बारिश ने शहर का मौसम एकाएक बदल दिया है। हाल ये है कि अब ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। शनिवार को दिन का तापमान 23 डिग्री था जो रविवार को गिरकर 20 डिग्री हो गया। इसी तरह रात का तापमान भी 15 डिग्री से घटकर 13 डिग्री हो गया। रविवार को दिन भर कपकपी देने वाली ठंडी हवाएं चलती रही। छुट्टी का दिन होने से लोग भी कम ही संख्या में घरों से बाहर निकले। दिन में आसमान खुला रहा लेकिन हवाओं की वजह से सूर्य की तपन महसूस नहीं की गई। जैन समाज ने गुरु सप्तमी पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर राजेंद्र सुरीश्वर जैन ज्ञान मंदिर नमक मंडी से वरघोड़ा निकाला गया। रंग महल धर्मशाला में गुणानुवादा सभा में दादा गुरु के गुण बताए गए। वरघोड़े का आयोजन साध्वी विद्वत गुणा श्रीजी साध्वी रश्मि प्रभा श्रीजी की निश्रा में किया गया।
ज्ञान मंदिर से शुरू हुआ वरघोड़ा नीम चौक भैरूनाला अब्दालपुरा होते हुए नयापुरा स्थित पाठशाला पर समाप्त हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। और अब खबरें दे दनादन। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने इंजीनियर और आर्किटेक्ट से चर्चा की। इसमें उज्जैन के मास्टर प्लान सहित शहर की संभावित विकास योजनाओं पर विचार किया गया। युवा दिवस के मौके पर जन अभियान परिषद एवं अरविंद सोसाइटी ने कार्यशाला की। इसमें जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पहलुओं पर प्रकाश डाला। पशु कल्याण समिति की बैठक 14 जनवरी को सुबह 11 बजे बृहस्पति भवन में होगी। करंट से मौत पर गुड़ा के किसान बापू को शासन ने 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय के साथ।